Halleluja! Halleluja! Praise God! Praise God! Halleluja means praise the Lord. Hallelujah का अर्थ होता है यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो. Open our mouth and say praise the Lord. हमें हमारा मुंह खोलकर कहना चाहिए praise the Lord. For God has given us this tongue to praise Him. क्योंकि परमेश्वर ने जुबान उसकी महिमा करने के लिए दी है. So let's together shout. तो आइए मिलकर चिल्लाए. Praise God! Praise God! My God is good. मेरा परमेश्वर भला है. All the time is good. हर समय वो भला है. Amen. Amen. This is our experience. ये हमारा अनुभव है. He is good to us. वो हमारे साथ बहुत अच्छा है. He loves us. वो हमसे प्रेम करता है. We don't see him. हम उसे देखते नहीं. But still. We can experience His love and His grace. लेकिन फिर भी हम उसके प्रेम और उसकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं. So we cannot deny His presence. तो उसकी उपस्थिति का इनकार हम नहीं कर सकते. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yes. Before going to word, let's close our eyes. वचन में जाने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें. Prepare ourselves to listen the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें. Father, in Jesus' name, we are standing. पिता यीशु के नाम में हम खड़े हैं. We want you speak. हम चाहते हैं आप बोलो. Holy Spirit, you talk to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करो. Give us fellowship. हमें संगति दो. Give us experience. हमें अनुभव दो. Give your wisdom. आपका ज्ञान हमें दो. Talk to us. हमारे साथ बात करो. And bless with your word. और आपके वचन से हमें आशीषित करो. Open our eyes so that we can watch you. हमारी आंखें खोल दो ताकि हम आपको देख सके. Lord, open our ears so that we can listen you. प्रभु हमारे कानों को खोल दो ताकि हम आपको सुन सके. We open our heart and welcome you. हम हमारे हृदयों को खोलकर आपका स्वागत करते हैं. By faith we are here, Lord. और विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं प्रभु. And we know by faith you listen. और हम जानते हैं कि विश्वास से आप सुनते हो. And by faith you are pleased. और विश्वास से आप प्रसन्न होते हो. Talk to us. हमारे साथ बात करो. And bless with your word. और आपके वचन से हमें आशीर्वाद दो. Father, I pray, bless each one who are watching, listening. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई देख रहा है सुन रहा है हर एक को आशीर्वाद दो. Let your blessing come upon them in Jesus' name. यीशु के नाम में आपका आशीर्वाद उनके ऊपर आए. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. There was a question. It came in my mind. एक सवाल मेरे दिमाग में आया. Why people don't come to Lord? लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आते? Why they don't attend the meeting? और वो लोग संगति में हाजिरी क्यों नहीं देते? Why people go back? लोग अपनी दुनिया में वापस क्यों चले जाते हैं? Why people are not hungry for the word of God? और परमेश्वर के वचन के लिए लोग भूखे क्यों नहीं होते? Why they are not hungry to see the Lord? प्रभु को देखने के लिए उनको भूख क्यों नहीं लगती? Why people are not ready to pay any cost to meet God? और परमेश्वर से मिलने के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? Why people don't choose Jesus Christ every time? और हर बार लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं चुनते? Why people can't live for Christ only? और लोग केवल मसीह के लिए क्यों नहीं जीते? Why people don't talk about Christ every time? और हर बार लोग केवल मसीहा के लिए मसीहा के बारे में क्यों बात नहीं करते? Why people get slow to walk with Lord? प्रभु के साथ चलने में लोग धीमे क्यों पड़ जाते हैं? Why people soon give up walking in Christ? मसीह में चलने से बहुत ही जल्दी लोग गिर जाते हैं ऐसा क्यों? Why many people love get cold? और बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है ऐसा क्यों होता है? Why people don't run after Lord every time every day? हर रोज और हर समय लोग प्रभु के पीछे क्यों नहीं दौड़ते? Why not every day there is meeting? और हर रोज संगति क्यों नहीं होती? Why they don't come in meeting every time? और हर समय वो लोग संगति में क्यों नहीं आते? Why they don't feel to go? और संगति में जाने के लिए उनको इच्छा क्यों नहीं होती? In Matthew 24:12 Jesus said. मत्ती 24वां अध्याय और 12वां वचन में यीशु ने कहा. Because of lawlessness will increase. और अधर्म के बढ़ने से. Because of injustice they will face.
और अधर्मीपना से अधर्मीपन के लिए वो लोग दे विल फेस इनजस्टिस इन देयर लाइफ, वो लोग अपने जीवन में अन्याय को अन्याय का सामना करेंगे. सो दे विल लूज होप इन वॉकिंग इन द ट्रूथ, इसीलिए सच्चाई में चलने की जो आशा है वो आशा वो लोग खो देंगे. दे विल स्टॉप फॉलोइंग रिचेसनेस, और जो धर्मीपन है उसके पीछे चलने का, उसके पीछे चलने से वो लोग रुक जाएंगे. पीपल विल स्टॉप फियरिंग गॉड, और लोग परमेश्वर का भय रखने से हट जाएंगे. एंड दे विल स्टॉप लिविंग गुड लाइफ, और अच्छा जीवन जीने का वो लोग छोड़ देंगे. पीपल विल स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, और लोग गलत काम करना शुरू कर देंगे. बिकॉज देयर लव विल बी कोल्ड, बिकम कोल्ड, क्योंकि उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा. बिकॉज ऑफ इनक्विटीज, अधर्मीपन की वजह से, विच विल बी मल्टीप्लाई अधर्म लाइफ, उनके जीवनों में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा. सो मैनी हु आर फॉलोइंग क्राइस्ट, देयर लव विल बी ग्रोस स्लो कोल्ड, तो मसीह के पीछे चलने वाले जो बहुत लोग हैं उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा. लॉर्ड गेव व्हाई पीपल विल नॉट लीव गॉडली लाइफ, प्रभु ने कहा कि लोग एक अच्छा जीवन परमेश्वर के परमेश्वर को पसंद आए ऐसा जीवन क्यों नहीं जिए. पीपल विल नॉट फॉलो क्राइस्ट लाइफस्टाइल, और मसीहा के जैसा जीवन की जो शैली होती है ऐसा जीवन लोग क्यों नहीं चुनेंगे. बिकॉज, क्योंकि ऑफ इनक्विटीज, दुष्टता की वजह से, विकेटनेस, दुष्टता की वजह से, दे विल सी ऑल विकेटनेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में हर सर चारों ओर वो लोग दुष्टता को देखेंगे. एंड दे विल ऑल्सो से दैट वी अलोन आर वॉकिंग इन राइटसनेस, और वो ये ऐसा भी कहेंगे कि केवल हम ही धार्मिकता के जीवन में जी रहे हैं. एंड वी डोंट वांट टू फॉलो दिस हार्ड लाइफ, और ये कठिन जीवन के पीछे चलना हम नहीं चाहते. पीपल वांट इजी लाइफ, लोगों को सरल जीवन चाहिए. पीटर सेड इन 1 पीटर 4:18, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, पहला पत्रस 4:18 वचन पत्रस कहता है, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, केवल सुनते रहना. डोंट सर्च स्क्रिप्चर्स, यू जस्ट लिसन एंड बिलीव दैट दिस व्हाट आई एम प्रीचिंग इज फ्रॉम बाइबल. आप वचनों को मत ढूंढना, केवल सुनो और विश्वास करो मैं जो बोल रहा हूँ वो बाइबल से है. पीटर राइट्स दिस थिंग, पत्रस ये बात लिखता है. इट इज हार्ड फॉर इवन अ गुड मैन टू गेट सल्वेशन, अच्छे व्यक्ति के लिए भी उद्धार पाना एक कठिन बात है. इट इज हार्ड फॉर राइटियस पर्सन टू बी सेव्ड, एक धर्मी व्यक्ति के लिए उद्धार पाना वो बहुत मुश्किल बात है. दिस पीटर राइट्स, ये पत्रस लिखता है, आई एम अ राइटियस पर्सन एंड आई वांट टू बी सेव्ड, मैं एक नैतिक व्यक्ति हूं और मैं बच जाना चाहता हूं, उद्धार पाना But चाहता हूं. But it is hard to live a righteous life. लेकिन धार्मिकता का जीवन जीना बहुत मुश्किल भरी बात है. It is hard to every day go in meeting and preach the word. हर रोज संगति में जाकर वचन का प्रचार करना एक कठिन बात है. It is hard to get salvation for us. और हमारे लिए उद्धार पाना आसान बात नहीं है. Then what will happen to this ungodly and sinful people? तो फिर जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका क्या होगा? It is difficult to be saved for a righteous person. धर्मी व्यक्ति के लिए उद्धार पाना मुश्किल बात है. But for sinner, how will they appear at judgment? तो फिर पापी लोगों का क्या होगा? वो न्याय के सामने कैसे खड़े रह पाएंगे? So many don't come every day for meeting. तो बहुत लोग हर रोज संगति में नहीं आते. It is hard to sacrifice every day. हर रोज बलिदान देना बहुत कठिन बात है. It is hard to walk continuously in Lord. निरंतर प्रभु में चलना ये कठिन बात है. There are many hindrances in our life. हमारे जीवनों में बहुत सारी रुकावटें हैं. We don't run every day after the Lord. प्रभु के पीछे हर रोज हम नहीं दौड़ते. Why people have no interest in Christ's life? मसीह के जीवन में लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं? I was a searching for it. उसके लिए मैं ढूंढ रहा था. Why Lord your people walk behind you? Why your people walk behind you? प्रभु तेरे लोग तेरे पीछे क्यों चले? Why every day they walk in you? हर रोज वो तेरे पीछे क्यों चले? The truth I find out. और सच्चाई मैंने ढूंढ निकाली. They got experience of power. उनको सामर्थ का अनुभव हुआ. They were experienced saints. वो लोग अनुभवी संत थे. They got love for Christ.
और मसीह के लिए उनके दिल में प्रेम था. That's God. परमेश्वर की महिमा हो. We few people have experience of love. हम बहुत कम लोगों ने प्रेम का अनुभव किया है. We few people have experienced the power of Christ. और मसीह के सामर्थ का अनुभव बहुत कम लोगों ने हम में से किया है. Still people are living in error. आज तक लोग गलतियों में जीते हैं. They are not awake and realize the truth. वो लोग जागरूक नहीं हैं. और अब तक उन्होंने सच्चाई नहीं जानी. They are away from life. वो लोग जीवन से दूर हैं. They have no experience of the truth. सच्चाई का कोई अनुभव उनके पास नहीं है. They have not tested the power of life and love. वो लोगों ने सामर्थ का, जीवन का और प्रेम का अनुभव नहीं किया, उसे चखा नहीं है. It is like this, a person who is alcoholic. ये ऐसा है कि वो जो व्यक्ति नशे का बंदी होता है. He just wake in the morning and run for the wine. वो सुबह खड़ा होता है और दारू के लिए दौड़ता है. Who give him power? उसे सामर्थ कौन देता है? Every day, who give him a thought? हर रोज उसे कौन वो विचार देता है? In Isaiah 5 and verse 11. यशा की किताब 5:11. Lord said, woe to those people. यहोवा कहता है कि ऐसे लोगों को अफसोस. Who rise up early in the morning. जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं. And they may fall there and they go after strong drink. और वो लोग बहुत दारू पीने के पीछे लगते हैं. And continue until night the drink. और रात तक वो लोग पीते हैं. Till wine inflame them. दारू उनको जला ना दे तब तक वो पीते हैं. They are burning in themselves. वो लोग अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप में जल रहे हैं. They have a burning fire in them. उनके अंदर एक जलती हुई आग है. In morning I will go and drink. सुबह मैं जाकर दारू पीऊंगा. Till night I will drink. और रात तक मैं पीऊंगा. And as it is morning again I will go and drink. और जैसे सुबह होगी फिर से मैं जाऊंगा. Lord said. प्रभु ने कहा. Woe to you. तुझे अफसोस. Why my people are not going after me in morning and night? मेरे लोग सुबह और रात को मेरे पीछे क्यों नहीं लगते? Why this Bible saints were mad after Lord? ये बाइबल के संत प्रभु के पीछे पागल क्यों थे? They got strength from someone. वो उनको किसी और से सामर्थ मिला. So they were able to walk after Lord in morning, in night, and again in morning. इसीलिए प्रभु के पीछे चलने के वो लोग योग्य है, सुबह में, रात में और फिर से सुबह वो चलते थे. If they would have experienced as saint, if we would have experienced as saint, we too would continue. यदि संतों के जैसा अनुभव हमने किया होता तो हम भी ऐसे चलते रहते. Then we could say that till my last breath I will walk after Lord. तो फिर हम कह सकते हैं कि मेरे अंतिम श्वास तक मैं प्रभु के पीछे चलूंगा. What is secret? वह उसका रहस्य क्या है? What is secret of running after Christ? मसीह के पीछे दौड़ने का रहस्य क्या है? How can I wake in morning and say Lord, and in night say Lord, and every day say Lord? सुबह उठकर मैं कैसे कह सकता हूँ प्रभु, और रात में भी मैं कैसे प्रभु को पुकारूं, और दिन में, पूरे दिन में फिर से मैं कैसे प्रभु को पुकार सकता हूँ? How Lord? How can I walk like that? प्रभु मैं उस तरह से दिन रात कैसे चल सकता हूँ? We know Enoch about Enoch. He walked for 365 years. हम जानते हैं हनोक के बारे में कि वो 365 साल तक चला. And he died in Lord. और वो प्रभु में मर गया. How that was possible? वो कैसे संभव हुआ? Was God a beautiful queen? क्या परमेश्वर एक सुंदर रानी के जैसा था? Enoch was after him. कि हनोक उसके पीछे पागल हो गया. In Hebrew 11 there is all he faith of hero story. इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में लिखा है जो विश्वास के अभिनेता है, विश्वास के लोग हैं, उनकी कहानियां लिखी गई है. That's what. They are heroes of faith. विश्वास के योद्धा थे. They lived life of full of fire. वो लोगों ने आग से भरी हुई जीवन जिया. They are ridiculous people. Mad. वो लोग पागल लोग थे. Madly they walk after God. और परमेश्वर के पीछे पागल होकर वो चले. As if they have no choice.
टू लिव। उनके पास जीने की कोई पसंदगी नहीं थी, उस तरह से चले। They were living for Christ and they were ready to die for Christ। वो लोग मसीह के लिए जी रहे थे और वो लोग मसीह के लिए मरने के लिए तैयार थे। They understood there is one life, just one life। वो समझ गए थे कि केवल एक ही जीवन है। And after life there is death and there is judgment। और ये जीवन के बाद मृत्यु है और उसके बाद न्याय है। We want life after death। हम जीवन के बाद, हम मृत्यु के बाद जीवन चाहते हैं। Those people were after life। वो लोग जीवन के पीछे थे। They were called mad people। वो लोगों को पागल लोग कहा गया है। They were tormented। वो लोगों पर अत्याचार हुए। They were cut off। उनको काट दिया गया। They were killed with stone। और पत्थर से उनको मार दिया गया। They were put in fire। उनको आग में डाल दिया गया। They were naked। वो naked। उनको नंगे किए गए। Still they were so mad walking after Lord। तब फिर भी वो लोग प्रभु के पीछे चलने में पागल थे। No one can stop them following God। प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने से कोई उन्हें रोक नहीं पाया। They were called heroes। वो लोगों को नामचिन कहा जाता है, योद्धा कहा जाता yes, है। They were fighters। वो लोग योद्धा थे। They were as aliens। वो travelers। वो लोग मुसाफिर के जैसे थे, यात्री के जैसे थे। They lived in this world as they were not of this world। वो लोग इस दुनिया के नहीं है ऐसा समझ के इस दुनिया में उन्होंने जीवन बिताया। They called themselves I am traveler। उन्होंने अपने आप से ऐसा कहा कि मैं इस दुनिया में मुसाफिर हूँ। They hate this world। वो लोगों ने इस दुनिया से नफरत की। They deny the system of this world। इस दुनिया की पद्धति का इनकार किया उन्होंने। They are not able to adjust themselves। वो लोग अपने आप को इस दुनिया में फिक्स नहीं कर पाए। They were not stopped by anyone। उनको किसी ने कोई रोक नहीं पाया। They never quit। वो कभी good life। अच्छा जीवन जीने में कभी रुके नहीं। They walk continuously with the Lord, the invisible Lord। वो लोग निरंतर जो अदृश्य परमेश्वर है, प्रभु है, उसके पीछे चलते रहे। What power they got that they were so mad। वो लोगों को ऐसा कौन सा सामर्थ्य मिला कि वो पागल हो गए। So differently they lived a world। और this world। इन ये दुनिया में एक अलग रीति से वो लोग जिए। Truth is। सच्चाई ये है। They received power। उनको सामर्थ्य मिला। They received Holy Spirit। उनको पवित्र आत्मा मिला। Jesus said to them about John। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा। Jesus testified and witnessed for him। यीशु मसीह ने उसके लिए गवाही दी। In John 5:35। योहन्ना की किताब उसका पांचवा अध्याय पांचवा वचन। Just listen। सुनो। Jesus said। यीशु ने कहा। John। योहान। He is a burning and a shining light। योहन्ना वो जलता हुआ और प्रकाश देता हुआ एक प्रकाश है। He is a fighter। वो योद्धा है। No one can put him off। उसे कोई बुझा नहीं सकता। He is a burning person। वो जलता हुआ व्यक्ति है। He hated all the wrong thing। उसने सारी गलत बातों को नफरत किया। He opposed the world। उसने इस false method, इस दुनिया की सारी गलत पद्धतियों का विरोध किया। Now listen। अब सुनो। What is the fire? ये आग क्या है? Jesus said, I came to send a fire। यीशु ने कहा कि मैं आग भेजने के लिए आया हूँ। In Luke 12 and verse 51। लुका का सुसमाचार 12 chapter and verse 51। उसका 12वां अध्याय और 51वां वचन। Jesus said, I came to send a fire from heaven to earth। यीशु ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि स्वर्ग से यहाँ आग भेजू, आग लगाऊ। I came to start a fire on this earth। इस पृथ्वी पर आग लगाने के लिए मैं आया हूँ। And I would be happy if fire was already burning। और यदि आग लग चुकी है तो मैं खुश हूँ। Don't think I came to give you peace। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें शांति देने के लिए मैं आया हूँ। Don't think I come to bring peace on this earth। ऐसा मत सोचो कि इस पृथ्वी पर शांति कराने के लिए मैं आया हूँ। But rather I came to make division। लेकिन मैं भाग अलग अलग करने के लिए आया हूँ, भाग पाड़ने के लिए आया हूँ। I came to open people's eye। मैं लोगों की आंखें खोलने के लिए आया। So that they can see the unright things। इसीलिए कि वो लोग जो बातें अच्छी नहीं, अधर्मी बातें हैं, उसे देख सके। And fight for the truth। और सच्चाई के लिए लड़े। And they stand for the Lord। और वो प्रभु के लिए खड़े हो जाए। Listen 50
सेवन वर्स 57वां वचन सुनो. यू सेड आई केम टू पुट फायर. यीशु ने कहा कि मैं आग लगाने के लिए आया हूँ. आई केम टू स्टार्ट फायर. मैं आग लगाने के लिए आया हूँ. इन अ हाउस इफ देयर आर फाइव पीपल थ्री विल गो अगेंस्ट टू एंड टू अगेंस्ट फाइव थ्री. यदि घर में पांच लोग हैं तो तीन दो के विरोध में और दो तीन के विरोध में हो जाएंगे. आई केम टू पुट फायर. मैं आग लगाने के आग डालने के लिए आया हूं. एंड इफ अ फायर स्टार्ट्स और यदि आग लगती है डिविजन कम्स और यदि भाग हो जाते हैं घर में देन इट विल कंटिन्यू फायर. तो फिर विल आग नेवर स्टॉप. तो फिर वो आग बुझेगी नहीं जलती रहेगी. लॉर्ड सेड प्रभु ने कहा ओ ज्यूइश पीपल ओ यहूदी लोग यू कैन जज व्हाट इज राइट यू कैन जज योरसेल्फ. तुम अपने आप का न्याय कर सकते हो कि सही क्या है. व्हेन यू सी द वेदर जब आप मौसम को देखते हो यू डिटेक्ट इट तो आप मौसम की जानकारी पा लेते हो. यू जज व्हाट विल हैपन आप मौसम देखकर कहते हो कि क्या होगा. इट विल रेन और इट विल बी ब्लो ऑफ विंड बारिश होगी या तो हवा हवा चलेगी या नहीं वो आप कहते हो. बट यू डोंट नो व्हाट्स करेक्ट लेकिन जो सही है वो आप नहीं जानते. यू नो एनवायरमेंट आप इस वातावरण को मौसम को जानते हो. बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग लेकिन क्या सही है और क्या गलत है वो आप नहीं पहचान सकते. इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ यदि तुम सच्चाई को समझ लो देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग तो फिर तुम बोलना शुरू कर दोगे. यू विल नॉट एबल टू कंट्रोल एंड यू विल नॉट एबल टू डिनाई द ट्रूथ तो फिर तुम सच्चाई का इनकार करने के योग्य इनकार नहीं कर पाओगे और अपने आप में नियंत्रण भी नहीं रख पाओगे. यू विल नॉट कंट्रोल आप नियंत्रण में नहीं रहोगे. पॉल सेज दिस थिंग पौलुस गलातियों 5:7 गलाती का पत्र 5वां अध्याय 7वें वचन में पौलुस ये बात कहता है. यू आर रनिंग वेल आई हर्ड इट मैंने सुना कि तुम अच्छी रीति से दौड़ रहे थे. हु प्रिवेंटेड यू फ्रॉम ओबेइंग द ट्रूथ और सच्चाई को मानने से तुम्हें किसने रोका. हाउ कैन यू स्टॉप saying the truth सच्चाई बोलने से तुम रुक कैसे गए. I am wondering मैं मुझे अब आश्चर्य होता है. Which power diffused your truth और तुम्हारी सच्चाई को ऐसे कौन से सामर्थ्य ने बुझा दिया. Which power can make you stop और कौन सा ऐसा सामर्थ्य जो आपको रोक सकता है. You see the world तुमने तुम दुनिया को देखते हो. You saw the world तुमने दुनिया को देखा इस जगत को देखा. And you saw wrong thing. और ये जगत में तुमने गलत बातें देखी. You saw dying people. और मरते हुए लोगों को देखा. And you go went there and helped them. और तुम उनके पास गए और उनकी मदद की. You talked the truth. तुमने सच्चाई बताई. And you preached the gospel. और तुमने सुसमाचार सुनाया. You were not able to control yourself. तुम अपने आप को नियंत्रण करने के योग्य नहीं रहे थे. तुम बोलते थे. Who made you stop? तो फिर तुम्हें किसने रोका. पॉल सेज इन रोमन 8:37 पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 37वां वचन वी आर एबल टू ओवरकम ऑल दैट आर हिंड्रेंस जो जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटों के सामने भी हम काम कर सकते हैं. वी ओवरकम द फोर्सेस वो सारे सामर्थ्य को हम एनी पावर एनी पावर कम्स यदि कोई ऐसा सामर्थ्य विरोध में आता है तो हम उसके ऊपर विजयी होते हैं. If any spirit want to stop us, we overcome them. यदि कोई आत्मा हमें रोकना चाहता है तो हम उसे हरा कर उसके ऊपर विजयवंत होते हैं. It is because of love of Christ in us. ये केवल मसीह का जो प्रेम हम में है उसकी वजह से होता है. We can overcome by the power of the one who loves us. जो हमसे प्रेम करता है उसकी सामर्थ्य से हम ये सारी बातों पर विजय पाते हैं. Nothing is able to come between us और कोई भी ऐसी बात हमारे और मसीह के बीच में नहीं आ सकती. Us and love of God हमारे और परमेश्वर के प्रेम के बीच में कुछ कोई भी नहीं आ सकता. Paul walked continuously पौलुस निरंतर चला. He was given power he received power उसको सामर्थ्य मिला था उसे सामर्थ्य दिया गया. Fire was enlightened him और आग ने Enlightened in him. उसके अंदर आग का प्रकाश था आग जलती थी. He was burning inside. वो अंदर से जल रहा था. Spirit was leading him to walk. और आत्मा उसे चलने के लिए अगवाही देता था. In 2 Corinthians 5:14 Paul writes. दूसरा करंथी 5वां अध्याय 14वें वचन में पौलुस लिखता है. He got Christ's love within his heart that made his life such.
उसने मसीह का प्रेम उसके हृदय में ऐसा पाया कि उसका जीवन एकदम अलग और अद्भुत हो गया. For it is his love, Christ's love, which is moving in us. क्योंकि ये मसीह का प्रेम है जो हमें आगे चला रहा है. Love of Christ that control us. मसीह का प्रेम हमारे ऊपर नियंत्रण करता है. So Jesus said, you wait for Holy Spirit. इसीलिए यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा है तब तक इंतजार करना. If you receive the power, यदि तुम्हें सामर्थ मिल जाए, He will press you on. तो वो सामर्थ तुम्हें आगे चलाएगा. He will hold you and move you. वो तुम्हें पकड़ेगा और आगे चलाएगा. So that you go further. इसीलिए कि तुम आगे बढ़ो. Without Holy Spirit, you cannot move in Lord. प्रभु में पवित्र आत्मा के बिना तुम नहीं आगे बढ़ सकते. We need फोर्स. हमें वो सामर्थ की जरूरत है. We need someone lead us and give us strength. हमें कोई हमारे कोई तो हमारी जरूरत है कि जो हमें पकड़े और हमें सामर्थ दे. We need someone who push us further. हमें किसी की जरूरत है कि जो हमें धक्का लगा के आगे चलाए. Someone we want who help us till eternity. और अनंत काल तक कोई हमारी सहायता करे ऐसा कोई हमें चाहिए. हाउ लॉन्ग कैन यू वॉक. कितनी हद तक कितनी लंबी हद तक आप चल सकते हो. टिल डेथ. क्या मरते दम तक. देन यू कैन गो टिल इटर्निटी. तो फिर आप अनंत काल तक जा सकते हो. मेनी पीपल क्विट कमिंग इन क्राइस्ट. मसीह में आने से बहुत लोग रुक जाते हैं. बिफोर दे वॉक कंटिन्यूसली. पहले वो निरंतर चलते थे. When they receive Christ, they walk continuously. जब उन्होंने मसीह को पाया था तब वो चलते थे. Then further they walk and they see all the equity in the world. और आगे वो चले और फिर उन्होंने पूरी दुनिया का धर्म और दुष्टता देखी. They saw all evil thing. सारी दुष्ट बातें देखी. They saw partiality. और उन्होंने पक्षपात देखा. And they also said, we cannot walk in this holy life. और फिर उन्होंने कहा कि ये पवित्र जीवन में हम नहीं चल सकते. लेट अस टर्न आवरसेल्फ एज दिस सिनर. अब आइए जैसे जो पापी लोग हैं उसके जैसे हम भी उनके साथ मुड़ जाए. इट इज हार्ड टू वॉक कंटिन्यूअसली विद लॉर्ड. प्रभु के साथ निरंतर चलना ये कठिन बात है. जीसस सेड अबाउट जॉन. यीशु ने यूहन्ना के बारे में बात की. ही वॉज बर्निंग. वो जल रहा था. ही वॉज A light. वो प्रकाश था. Paul said, "We have love in us." Paulus के Christ love we have. Paulus ने कहा कि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है. That moves in us. जो प्रेम हमारे अंदर काम करता है. It controls us. वो हमको नियंत्रित करता है. So that we move in Lord. इसीलिए कि हम प्रभु में आगे बढ़े. That love. Make us to do well. वो प्रेम जो है वो हमें अच्छा करने के लिए अच्छा बनाता है. So Paul was wondering why you stop walking in godly life. तो तुम प्रभु के जीवन में चले रहने से क्यों रुक गए. उससे पौलुस को आश्चर्य हुआ. You didn't experience love. तुमने प्रेम का अनुभव नहीं किया. You didn't experience the power. You didn't experience the power. तुमने सामर्थ का अनुभव नहीं किया. You didn't receive Holy Spirit. तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया. I am wondering why, how can this any power overcome you? मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कोई दूसरा सामर्थ तुम्हारे ऊपर हावी क्यों हो जाता है. Which power had stopped you? और कौन से सामर्थ ने तुम्हें रोक दिया. Because you are not still in experience. क्योंकि अब तक तुम अनुभव में नहीं हो. इसलिए How can anyone walking after Christ can stop? मसीह के पीछे चलने से हमें कोई कैसे रोक सकता है. Why can't we overcome The things of this world. ये दुनिया की जो बातें रुकावटें होती है उसके ऊपर हम विजयवंत क्यों नहीं होते. Why we cannot walk as Enoch and Noah walked. जैसे हनोक और नूह चले उस तरह हम क्यों नहीं चल सकते. Why can't we walk as the heroes of Bible? Faith heroes. बाइबल के जो विश्वास के योद्धा लोग हैं उसके जैसे हम क्यों नहीं चल सकते. Why we fall and we deny and we give up
वॉकिंग आफ्टर क्राइस्ट। हम गिर क्यों जाते हैं और इनकार क्यों कर देते हैं और मसीह के पीछे चलने से हम रुक क्यों जाते हैं? जीसस सेड Many people love will be wet or be cool. Cold. यीशु ने कहा कि बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. So is that their lawlessness is so greater than Christ's love? तो ये दुनिया की जो दुष्टता है वो मसीह के प्रेम से क्या ज्यादा बड़ी ज्यादा ताकतवर है? That can break us. कि जो हमें तोड़ दे. And stop us following Christ. और हमें मसीह के पीछे चलने से रोक दे. Still we are not knowing the truth. अब तक हम सच्चाई को नहीं जानते. Our love for Christ has become cold. हमारा मसीह के लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो गया है. We are not following as Christ lived. जैसे मसीह जिया उस तरह से हम नहीं जी रहे. We are not following good life. और एक अच्छे जीवन हम अच्छा जीवन नहीं बिता रहे हैं. Peter as he said. पत्रस जैसे उसने कहा. It is hard to get salvation for a good man. अच्छे व्यक्ति के लिए उद्धार पाना कठिन बात है. What chance has a man who is without religion or the sinner? तो फिर जो धर्मी व्यक्ति नहीं धर्म के बिना व्यक्ति है जो पापी है How उसके can he get a chance? उससे कैसे मौका मिल सकता है? To be saved. बचने के लिए उसे एक मौका नहीं मिल सकता. We are walking in Christ. हम मसीह में चल रहे हैं. And if we die in Christ. और यदि हम मसीह में मरे. Then we shall be saved. तो फिर हम उद्धार पाएंगे. If we stop today. यदि आज हम रुक जाए. Then there is no hope that we will be medal. और तो फिर crowned with the life of crown. तो फिर हमें कोई मेडल मिले या तो हमें जीवन का कोई मुकुट मिले ऐसी कोई आशा नहीं रहेगी. If we fall today. यदि आज हम गिर जाए. If we deny Christ today. यदि आज हम मसीह का इनकार कर दे. If we decide now I am not going to continue in Lord. यदि हम ऐसा निश्चय ले कि अब मैं प्रभु में नहीं चलने वाला आगे. Then you having no experience with God. तो फिर आपका परमेश्वर के साथ कोई अनुभव नहीं है. You are still in error. तो अब तक तुम गलतियों में है उलझन में हो. You have not experienced the power. तुमने सामर्थ का अनुभव नहीं किया. We all should receive Holy Spirit. हम सबको पवित्र आत्मा पाना चाहिए. For Lord said, if you receive Holy Spirit. क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम पवित्र आत्मा पाओगे. And then you will receive the Holy Spirit. और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे. You will get strength and you will get power. तब तुम्हें बल और सामर्थ मिलेगा. You will be lightened. और तुम प्रकाशित हो जाओगे. And you will be on fire. और तुम आग के जैसे जलने लगोगे. And you will be mad after Lord. और तुम प्रभु के पीछे पागल हो जाओगे. And people will say, What Jesus gave that you are going? और लोग कहने लगेंगे कि यीशु ने तुम्हें क्या दिया दे दिया कि तुम अब चलने लगे उसके पीछे. Still you are not blessed. अब तक You are not blessed. अब तक तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला है. Why still you are going after Lord? तो भी तुम प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हो? Many people when they receive blessing they receive power. बहुत लोग जब उनको आशीर्वाद मिलता है तब उनको सामर्थ मिलती है. And when their blessing goes. और जब उनका आशीर्वाद चला जाता है. Power goes. तो उनका सामर्थ चला जाता है. Holy Spirit is the blessing. पवित्र आत्मा आशीर्वाद है. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. And think that is our love become cold? और सब हम अपने आप में सोचे और पूछे कि क्या हमारा प्रेम ठंडा हो गया है? Let's check ourselves. अपने आप को जांचे. Lord, we are sorry. प्रभु, we should say, Lord, we are sorry. हमें कहना चाहिए कि प्रभु हम माफी चाहते हैं. For our love for you has become cold. क्योंकि हमारा आपके लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो गया है. We are not walking after you as before. पहले जैसे हम आपके पीछे चलते थे वैसे हम अब नहीं चल रहे. We want power, Lord. प्रभु हम सामर्थ चाहते हैं. We want experience. हम अनुभव चाहते हैं. We want to test you, Lord. प्रभु हम आपको चखना चाहते हैं. We want your love in us. हम आपका प्रेम हमारे अंदर आ जाए ऐसा चाहते हैं. We want a firing love in us. और जलता हुआ प्रेम हमारे अंदर हम चाहते हैं. As we read the alcoholic people, they walk in mourning for and go after that.
वाइन। जैसे हमने पढ़ा आपके वचन में कि जो नशे करने वाले लोग सुबह जल्दी उठकर दारू के लिए जाते हैं, दारू पीने के लिए। लॉर्ड वी आर नॉट गोइंग आफ्टर यू इन मॉर्निंग। प्रभु हम उस तरह आपके पीछे नहीं चलते हैं, नहीं जाते हैं। इन मॉर्निंग वी डोंट सर्च यू। सुबह हम आपको नहीं ढूंढते हैं। इन नाइट वी डोंट सर्च यू। और रात में हम आपको नहीं ढूंढते हैं। बट वी प्रेस यू लॉर्ड फॉर ऑल द फेथ ऑफ हीरोज। लेकिन सारे जो विश्वास के संत थे, योद्धा थे, उनके लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। दे वॉक्ड यू, वॉक्ड आफ्टर यू। वो लोग आपके पीछे चले। दे वर रेडी टू डाई फॉर यू। और आपके लिए मरने के लिए वो लोग तैयार थे। दे वर पुट, दे वर मेड नेकेड। उनको नंगा किया गया। स्टिल दे डिडंट डिनाई यू। फिर भी उन्होंने आपका नकार नहीं किया। They continue to walk with you। निरंतर वो आपके पीछे चलते रहे। Lord, there should be no hindrance in us। हमारे अंदर भी प्रभु कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए। Remove it, Lord। वो रुकावटों को हटा दो प्रभु। Give us power so that we can follow you। आप हमें सामर्थ दो ताकि हम आपके पीछे चले। Lord, put your love in us। प्रभु आपका प्रेम हमारे अंदर रखो। So that we can overcome all the forces of this world। इसीलिए कि दुनिया के जितना भी बल है, सामर्थ्य, सारे बलों को हम हरा दे, उसके ऊपर विजय पा ले। लॉर्ड, वी वांट टू ओवरकम ऑल द फोर्सेस दैट आर अगेंस्ट यू। प्रभु आपके विरोध का जितना भी सामर्थ्य, सारे सामर्थ्य को हम जीतना चाहते हैं। यू केम टू पुट फायर। आप आग लगाने के लिए आए। यू केम टू सो दैट फायर बी स्टार्ट। और आप ये देखने के लिए आए, दिखाने के लिए आए कि आग लग जाए। एंड लॉर्ड, यू पुट फायर इन अस। और प्रभु आपने हमारे अंदर आग लगाई। मेड अस रेडिकल्स। और हमें जलते हुए लोग बनाए। Made us mad after you। और आपके पीछे हमें पागल बनाए। Yes, Lord, you make us mad after you। हाँ प्रभु, हमें आपके पीछे पागल बनाओ। So that we can search in you in morning and in evening and in night। इसीलिए कि हम आपको सुबह, शाम और रात भर हम आपको ढूंढे। And when there is call, we go for you। और जब भी बुलाहट आए, हम आपके लिए जाए। We go after you। हम आपके पीछे जाए। We walk after you। हम आपके पीछे चले। We follow the righteous path। और जो धर्मीपन का रास्ता है, उसके पीछे हम चले। We do good every time। और हर बार हम अच्छा करें। Even people don't do good around us, we will follow you, Lord। यदि हमारे आजू बाजू के लोग कुछ अच्छा करे या ना करे, तो भी हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु। We want to follow you, Christ। मसीह, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। And we confess that we are not of this world। और हम कबूल करते हैं कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। We confess that life is of Christ। और हम कबूल करते हैं कि जीवन मसीह का है। So we will live for Christ। इसीलिए हम मसीहा के लिए जिएंगे। And we will die for Christ। और मसीहा के लिए हम मरेंगे। Anyone comes with us or not। हमारे साथ कोई यदि आए या ना आए। Cross before me, the world behind me। वो वधस्ता हमारे आगे है और दुनिया हमारे पीछे। Lord, we will follow you। प्रभु, हम आपके पीछे चलेंगे। There would be nothing that will stop us following you। और आपके पीछे चलने से कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। Lord, we receive Holy Spirit voice। यीशु, हम ये पवित्र आत्मा का आवाज पाते हैं। Holy Spirit, you continue talk to us। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ बात करते रहो। Put fire within us। हमारे अंदर आग लगाओ। Talk to us। हमारे साथ बात करो। Thank you for your word, Lord। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Let this word abide each in each one। ये वचन हर एक व्यक्ति में जुड़ जाए। And they leave the world and follow you। और ये सब लोग ये दुनिया को छोड़ दे और आपके पीछे चले। In Jesus' name, let it be। यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। In Jesus' name। यीशु के नाम में। Amen। 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 Let's pray together while our taught। आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father, which art in heaven। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। Your is thy name, Lord। तेरा नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come। तेरा राज्य आए। Thy will be done। तेरी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be on earth। जैसे स्वर्ग में, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread, Lord। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। Forgive our debts। और हमारे अपराधों को क्षमा कर। As we forgive all our debtors। जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया। And lead us not into temptation। और हमें परीक्षा में ना लाओ। But deliver us from all evil। लेकिन हर बुराई, हर बुराई से हमें बचा। For thine is kingdom। क्योंकि राज्य तेरा है। Thine is power। पराक्रम तेरा है। Thine is glory। और महिमा तेरी है। Forever you are king। सदा के लिए आप राजा हो। Rule over us। हमारे ऊपर अधिकार चला। Move us। हमें आगे बढ़ाओ। In Jesus name। यीशु के नाम में। Amen। 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 Let's God। परमेश्वर की महिमा हो। God bless you। परमेश्वर आपको आशीष दे।